जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा जो है अभी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है। उसमें क्या है, इम्पोर्टेंट नोटिस, स्कूल टीचर रिटेन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव बीन प्रोवाइड लास्ट चांस टू एडिट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन कैटेगरी, कास्ट, एड्रेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन फ्रॉम 1/9/2023 टू 3/9/2023। ओके, ऑन द क्या है, डैशबोर्ड आफ्टर लॉगिंग। ओके, ये नोटिस क्या है, तो देख लीजिए, ये नोटिस को हम इसे यहाँ लगा दिए हैं, आइए आपको बताते हैं। तो शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के लिए आखिरी मौका है, जल्द करें। ओके, तो विज्ञापन संख्या 26, देखिए साफ है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट www.onlinebpscbihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टि, जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि, जाति, पता एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेज से मिलान करते हुए त्रुटि निवारण करना सुनिश्चित करेंगे। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज को प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब साफ है, आप जो प्रमाण पत्र अपलोड लोड कर दिए हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी EWS लगा दिया है और वो अब इसको हटा के क्या कर दे, कह दे हम जनरल हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ST का लगा दिया है और आप कहे कि हम ST नहीं है, हम क्या है, EWS है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके साथियों, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपने जैसे मान लीजिए EWS का सर्टिफिकेट लगाया है या ST का सर्टिफिकेट लगाया है या ST का सर्टिफिकेट लगाया है और आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को क्या किया है, गलत अपलोड कर दिया है, तो इसको आप सही कर सकते हैं, नंबर को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ओके, प्रविष्टि के सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपीयरिंग अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। मतलब जिसका भी जो अपीयरिंग में, तो अपीयरिंग वाला का ना अभी सीटेट का रिजल्ट आया है, ना स्टेट का, ना फिर DLED 2021-22 का रिजल्ट आया है, तो किसी का रिजल्ट आया नहीं है, तो आप लोग क्या अपलोड कीजिएगा, कुछ नहीं अपलोड करना, आप लोग को तो ऐसे देखते रहना, इसको खाली खोल के देख लेना कि कोई गलती है कि नहीं है। अपीयरिंग 1 से 5 तक के अभ्यर्थी संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। ओके, प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो अपलोड कर सकते हैं। 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों को संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। दिनांक 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन समय, अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित परिस्थिति में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हैं उसके खिलाफ अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उक्त वर्णित प्रविष्टि के निम्न अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को प्रतिवर्तित करने का विकल्प नहीं है। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है, ऐसा कहा गया है बीपीएससी चेयरमैन और बीपीएससी आयोग के द्वारा संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना 29/8/2023 का ये नोटिस है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चे और साथ ही साथ क्या है, अगर कोई बीएड वाले हैं और उनके पास क्या है, डीएलएड का डिग्री है, बीटीसी का डिग्री है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस डिग्री को भी अपडेट कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बीपीएससी इतना कुछ तो कर रहा है, लेकिन अभी तक बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं किया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की कब जारी किया जाएगा, इस रिगार्डिंग अभी तक बीपीएससी के वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं आया है, रिफ्रेश करके भी देख लिया जाए। ओके, तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगा तो उसके बाद ऑफिशियल कटअप बताया जाएगा, ठीक ना। ये देखिए, अभी जो है माननीय अतुल प्रसाद है, इसके पहले आरके महाजन जी थे। ओके, ये 5/8/2022 को बने हैं और अभी तक हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, जो भी होगा आपको खबर दिया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और उम्मीद बनाए रखिए। बीएड वालों के लिए छत्तीसगढ़ वाला जो मुद्दा है वो चल रहा है, छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो बहुत अलग मुद्दा है, वो इससे कोई संबंधित मुद्दा नहीं है। ओके, 14 सितंबर तक बिहार सरकार को डेट दिया गया है अपडेट डालने का, देखिए क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, उम्मीद खोना
हाथ पाँव खोने से ज़्यादा खतरनाक है। तो उम्मीद के साथ ही जी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, स्टेट की तैयारी में लग जाइए, बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए, दरोगा की तैयारी में लग जाइए, बिहार पुलिस की तैयारी में लग जाइए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए सर्विस क्लासेस के जी को। धन्यवाद।